तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज शोभा स्टार्ट फार्म ब्लॉग हमने 6 बजे सुबह शुरू किया है। इस पवित्र दृश्य से आप देख सकते हैं गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है, और हमारे जो जालबा हैं मोटा कांडाग्रा से, जालबा गुड मॉर्निंग, जय माता जी, जय माता जी। आज ये अभी दूध निकालेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही पवित्र दृश्य है ये। इसे अमृत भी कहा जाता है, जो हम शिवलिंग पे चढ़ाने के टाइम पंचामृत में यूज करते हैं। इससे ज्यादा अच्छी पवित्र चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों देखिए, ये जो है वो हमारे नंदी महाराज है छोटे, और ये भी आप जो देख रहे हैं वो भी नंदी महाराज है जो खड़ा है यहाँ पे। मैं आज आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि आपने बहुत बार शिव मंदिर में देखा रहेगा कि हम नंदी महाराज के कान में अपनी विश रखते हैं, जो इच्छा है, जो हमारी मन्नत है, वो नंदी महाराज के कान में कहते हैं, जिससे कि हमारी जो विश है वो शिव जी तक पहुँचे और वो हमारी मनोकामना पूरी करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी नंदी महाराज आज रखड़ रहे हैं रोड पे, जो घूम रहे हैं, उन्हें भी सपोर्ट करिए, थोड़ी सहायता करिए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति है उसके कान में तो जाके हम बोलते ही हैं, लेकिन जो रियल में घूम रहे हैं उनकी कोई बात भी नहीं करता, ना उन्हें कुछ सपोर्ट करता है, ना कुछ कोई खिलाने देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से वंचित हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नंदी महाराज का भी इतना ही ध्यान रखें जितना आप हमारी गायों का रखते हैं, आप अपनी गाय माता का रखते हैं। चंद भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता जी। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा हमारे ब्लॉग पे। मूलचंद भाई देखो, ये गौ माता पे हाथ घुमा रहे हैं। आज का साइंस भले कितना ही आगे बढ़ चुका हो, लेकिन गौ माता के ऊपर हाथ घुमाने से और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी उसका जो ओनर है या कोई भी उसका जो करीबी है, जब भी वो हाथ घुमाता है तो गौ माता इतना ज़रूर सेंस कर लेती है कि उसे जो उसका उस पर जो हाथ घुमा रहे उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, क्या शरीर में कमी है, तो वो उसी प्रकार से दूध देती है और वो उसी तरह से चारा खाती है जिससे जो इंसान है, जो उसका ओनर है, उसकी बीमारियां दूर हो जाए। इतनी वफादार होती है गौ माता दोस्तों, इसलिए हम भारत में गौ माता को पूछते हैं। जालूबा हमारे बहुत ही मजा किए हैं और बहुत ही उत्साहिक आदमी है, बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ ऐसे मस्ती में मौज करते हैं हमारे शोभा स्टार्ट फार्म पे, और उनके साथ बहुत ही हमें अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। जालूबा बहुत ही धन्यवाद आपको, आपसे बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं और बहुत कुछ चीज़ों का हमने आनंद भी उठाया है आपकी नॉलेज के हिसाब से। भाई तो दोस्तों देखिए, जालूबा जो गौमूत्र है बहुत ही पवित्र है, और इसका मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरे जो परदादी थे बहुत सालों पहले, 50-60-70 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उन्हें पेट में गांठ हुई थी, तो उन्होंने 15 दिन तक गौमूत्र का सेवन किया था जिससे वो गांठ अपने आप गल गई और वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। तो गौमूत्र का ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है जो आपके शारीरिक में जितने भी बीमारियां हैं आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है, और ये ऐसी एक दवा है कि आपके जो रोग हैं जो आपको नहीं पता आपके शरीर में, वो भी वो गायब हो जाते हैं गौमूत्र का सेवन करने से। और दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है गोबर। तो आप देख सकते हैं कि जितना गौमूत्र पवित्र है हमारे समाज में, उतना ही गोबर भी पवित्र माना जाता है। गोबर से बहुत सारे बैक्टीरियाज, जो दूसरी बीमारियां हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ऑर्गेनिक फार्म में भी हम जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं तभी भी गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे पाक बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। और ये भी एक पवित्र चीज़ में माना जाता है। हम जब धूप करते हैं अपने घर पर तभी भी हम गोबर ही जलाते हैं, कोई भी हम ईश्वर के सामने धूप करते हैं तभी गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग एक छोटे से मैसेज से यहीं समाप्त करूंगा,
और सभी दर्शकों से, पूरे भारत देश से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी गौ माता की रक्षा करें, हमारी नंदी महाराज की रक्षा करें, उनकी जितनी बन सके उतनी सेवा करें। और सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, ये एक मैसेज देना चाहूंगा कि 130 करोड़ की आबादी है भारत में, अगर हम एक एक रुपया भी मिलके जुटाएं तो गौ माता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हम सभी मिलके। तो सभी देशवासियों से यही कहूंगा कि प्लीज आप रक्षा करें अपने गौ माता, जो हमारे घर के आंगन के बाहर आती है या आपके पास है उनकी, उन्हें खूब खाना दे, उन्हें खिलाएं, उनके जब भी वो बीमार हो तभी उसकी रक्षा करें, उन्हें दवाइयां दे। और पूरा भारत देश एकजुट मिलके अगर ये सपना देखेगा तो ज़रूर साकार होगा। और इसी तरह हमारे फैम, हमारे शोभा स्टड फार्म को और हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट